आप लोग की स्क्रीन्स पे फ्लैश होते हुए, ग्रॉस एनपीएस में बढ़त है, नेट एनपीएस ऑलमोस्ट डबल होते हुए 60 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 120 1.2% के आसपास एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन है, मुनाफा 301 करोड़ से बढ़कर 478 करोड़ रुपीज क्लॉक कराया फेडरल बैंक ने, ग्रॉस एनपी ठीक है मार्जिनल है, ग्रॉस एनपीए क्यू ऑन क्यू तो खैर मार्जिनल इंक्रीज है, ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेंड है, शायद इसीलिए स्टॉक 3.5% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। क्विकली समित, फेडरल बैंक 3.5% ऊपर इस समय 82-82.5 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है, चार्ट्स में कोई स्ट्रेंथ है क्या? देखिए आशीष, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है रिसेंटली, बट एक बात अच्छी है कि 75-77 के जोन में एक अच्छा बीज बना है और वहां से ही कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर की तरफ उसकी मूव कंटिन्यू करने के लिए। सो एज अ डिस्क्लोजर, हमने लास्ट वीक हमारे क्लाइंट्स को 85 का कॉल ऑप्शन बाय करवाया, हालांकि ये थोड़ा हमारे कॉस्ट से नीचे है, बट हम अभी भी होल्ड की सलाह देंगे, और अगर आज ये 83.50-84 के ऊपर क्लोज दे पाता है तो स्टॉक में इमीडिएटली आपको 4-5% का मूव देख सकता है, तो इसलिए ओवरऑल पॉजिटिव है। अभी रिएक्शन के बाद एक बार प्राइसेस स्टेबल होती है और आज का अगर वो 83.5-84 के ऊपर सस्टेन हो पाता है तो इसमें डेफिनेटली आपको पॉजिटिव बाय से ट्रेड करना। ओके, क्विकली रैप अप, फिर शो खत्म करेंगे इस नोट पर। पॉजिटिव बाय